नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन लाइव। तो दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को एक बार फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। सांस लेने में दिक्कत होने के कारण दिलीप कुमार को मंगलवार सुबह हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वे आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जहाँ डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं, उनकी हालत को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जून महीने में ये दूसरी बार है जब एक्टर को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। दिलीप कुमार को 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। अस्पताल के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 98 ईयर्स के हो चुके दिलीप कुमार को एक नॉन कोविड-19 आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें दोबारा हॉस्पिटल लाया गया। सांस में तकलीफ और उनकी उम्र को देखते हुए परिवार ने एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने का फैसला किया। वे वैसे तो ठीक हैं, पर वो आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टर्स उन पर लगातार नज़र टिकाए बैठे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले दिलीप कुमार को 6 जून को सांस लेने में तकलीफ के कारण इसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। तब दिलीप कुमार के फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम पाई गई थी। इसमें उनके फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया था। डॉक्टर्स ने इस बीमारी के चलते उनके फेफड़ों के आसपास जमा पानी को बाहर निकाला। 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें फिर छुट्टी मिल गई थी। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में दिलीप कुमार के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो भी मौजूद है। दिलीप कुमार ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। कुछ के नाम लिए जाएं तो मुगले आजम, देवदास, नया दौर और राम और श्याम रही उनकी अच्छी फिल्में। इतना ही नहीं, 5 दशक तक वो भारतीय सिनेमा के नंबर 1 सुपरस्टार भी रहे। बड़े पर्दे पर आखिरी बार वो 1998 में फिल्म किला में नजर आए थे। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।